नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पोलटॉक का यूट्यूब चैनल। मैं हूं संतोष कुमार पांडे। आज ऐसे संत की बात करते हैं, एक ऐसे साधु की बात करते हैं जो जन्म से दिव्यांग हुए, दृष्टिबाधित रहे, लेकिन आज वो लाखों लोगों के लिए दिव्य ज्योति की तरह हैं, लाखों छात्रों को पढ़ा रहे हैं। एक उन्होंने ऐसा काम किया है कि जो भारत सरकार और राज्यों की सरकारों ने भी नहीं किया है। जिनके मुरीद हैं प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति कोविंद, प्रणब मुखर्जी, अब्दुल कलाम, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और भारत के लगभग बहुत राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ उनकी फोटो भी देखी जा सकती है। तो आज हम बात करते हैं गिरधर मिश्रा उर्फ स्वामी रामभद्राचार्य महाराज की, जो उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के सांधी कुर्द गाँव के रहने वाले हैं। उनकी माता सची देवी, पिता राजदेव मिश्रा, दोनों ने इनकी काफी मदद की है। बचपन में 2 महीने के थे तो इनकी आंखों में कुछ हुआ था और इनके गांव के लोगों ने, घर के लोगों ने ग्रामीण उपचार किया और उस ग्रामीण उपचार में स्वामी रामभद्राचार्य की आंखें चली गई। इनकी आईसाइट चली जाती है और उसके बाद लगातार इनका जीवन संघर्षमय होता जाता है, मगर इनके दादा जो थे वो इनके साथ हमेशा सहयोग में लगे रहते थे और इनकी काफी मदद करते थे। आचार्य महाराज के जो दादा थे सूर्यबलि मिश्रा, उन्होंने इन्हें इतना सहयोग किया कि 8 साल की उम्र में ही स्वामी रामभद्राचार्य महाराज ने पूरा रामचरितमानस कंठस्थ कर लिया। यह कोई छोटी बात नहीं थी और वहीं से इनकी पढ़ाई आगे चलती जाती है। हालांकि कई ऐसे दृष्टांत हैं, कई ऐसी बातें हैं कि इनका कई लोगों ने सहयोग करने की बात भी की मगर इन्होंने मना कर दिया। एक चीज़ आपको और बता देते हैं कि स्वामी रामभद्राचार्य महाराज की जो पढ़ाई हुई है पूरा संस्कृत से ही हुई है। उन्होंने किसी और कॉलेज, किसी और स्कूल्स की पढ़ाई नहीं की है, लेकिन आज एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय के वो मालिक हैं। उन्होंने आदर्श गौरी शंकर संस्कृत महाविद्यालय में पढ़ाई की, उसके बाद उस शिक्षा के लिए ये बनारस आ जाते हैं। संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय से इन्होंने पढ़ाई की है और वहीं से गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं। आचार्य की 1973 में इंदिरा गांधी ने मदद करने की बात की थी। उन्होंने स्वामी रामभद्राचार्य को अमेरिका भेज करके आंखों के इलाज की बात कही मगर स्वामी ने उसे इनकार कर दिया और 1973 में इन्होंने शास्त्री किया, 1976 में इन्होंने आचार्य की डिग्री हासिल की। इन दोनों पढ़ाइयों के दौरान ये गोल्ड मेडलिस्ट रहे। इतना ही आसान नहीं था इनका जीवन, मगर ये जहाँ भी पढ़े वहाँ पर टॉपर रहे। राम प्रकाश त्रिपाठी ने इनको पीएचडी कराया 1981 में और ये पीएचडी हो जाते हैं, उसके बाद इन्हें डीलिट की उपाधि भी मिलती है। स्वामी रामभद्राचार्य का जो मामला है, जो बात है, वो किसी से छिपा नहीं है, लेकिन आज आपको हम इसलिए बताना चाहते हैं कि अभी चित्रकूट में पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हुए थे और स्वामी रामभद्राचार्य से मिलने विशेष रूप से गए थे। स्वामी रामभद्राचार्य को अब्दुल कलाम बहुत मानते थे, बहुत इज्जत करते थे, साथ ही साथ इंदिरा जी की बात मैंने आपको बता दी, अटल बिहारी वाजपेयी के भी इनके साथ अच्छे संबंध रहे। अटल बिहारी वाजपेयी इनको काफ़ी इज्जत सम्मान देते थे। इतना ही नहीं, रामनाथ कोविंद ने भी इनको काफ़ी इज्जत सम्मान दिया है। इनका जो माहौल है, जो पढ़ाई लिखाई है, अक्सर ये देखा जाता है कि जो साधु बनता है, जो संत बनता है, वो मठ चलाता है, वो कहीं ना कहीं आश्रम चलाता है, प्रवचन देता है, प्रवचन ये भी देते हैं, लेकिन ये मठ और आश्रम न चला करके एक विश्वविद्यालय चलाते हैं। दिव्यांगों का पहला विश्वविद्यालय होगा वो, जहाँ पर इतनी तरह की पढ़ाइयाँ, इतनी तरह के कोर्सेज चलते हैं। चित्रकूट में भारत सरकार ने भी शायद ऐसा कोई विश्वविद्यालय बनाया हो या किसी स्टेट की गवर्नमेंट ने बनाया हो, लेकिन उन्होंने इतना शानदार विश्वविद्यालय बनाया है जहाँ पर हजारों विद्यार्थियों के जीवन को ये पंख लगा रहे हैं। ना है मानवता ही मेरा मंदिर है, मैं इसका पुजारी हूँ, है विकलांग मेरे महेश्वर, मैं कृपा का भिखारी हूँ। इन्होंने ये बातें जो कही है, इन्होंने एक बात और कही है, परमारथ के कारण साधु ने धरा शरीर। इन्होंने कहा है कि जो मैं साधु का जो मेरा शरीर है वो परमारथ के काम आएगा। इन्हों पिछले साल आपने देखा होगा कई सारे ऐसे संत, ऐसे महात्मा जिन पर बहुत सारी बातें होती रही, वैसे में इनके ऊपर कभी कोई विवाद नहीं हुआ। स्वामी रामभद्राचार्य को पद्म विभूषण अवार्ड भी मिला है, जो भारत रत्न की बात का है, उसे प्रणब मुखर्जी ने इन्हें दिया है। स्वामी रामभद्राचार्य जैसे लोग अगर देश में हो, दुनिया में हो, भारत में हो, या राज्य में हो, या समाज में हो, तो वो समाज को तोड़ते नहीं, जोड़ते हैं। इन्होंने दिव्यांगों के लिए बहुत बड़ा काम किया है। वैसे मैंने भी इनकी 2-3 प्रवचन सुने हैं। 2003 की बात है कि जौनपुर जिले के बटाऊबीर के पास एक मंदिर पर ये प्रवचन देने आया। इतना बड़ा नाम नहीं था, लेकिन इनका प्रवचन मैंने सुना था और इन्हें सारी चीज़ें कंठस्थ हैं। रामचरितमानस का एक एक दोहा इन्हें
याद है। तो जौनपुर के इस लाल ने काफ़ी नाम कमाया है, साथ ही साथ इनके सामने कोई भी ऐसा नेता, कोई ऐसा मंत्री, कोई ऐसा संतरी, कोई ऐसा अधिकारी, कोई ऐसा जनता नहीं है जो इन्हें नमस्कार न करता हो। तो कामों को देखते हुए ही लोग इन्हें इतना सम्मान देते हैं। जो दादा थे सुरबली मिश्रा, वो मीराबाई के भक्त थे, तो लगता है कि कहीं ना कहीं से संस्कारों का असर है। स्वामी राम भद्राचार्य जैसे दिव्यांग होने के बाद भी, जिन्हें समाज उन दिनों अपने पास नहीं रखता था, अपनी समाज में नहीं रखता था, ऐसा माना जा रहा था, कुछ जगहों पर देखा भी गया, अभी भी लोगों की मानसिकता को देखिए तो लगता है कि दिव्यांगों को वो अपने समाज का हिस्सा नहीं मानते हैं। ऐसे में दिव्यांग होते हुए भी स्वामी राम भद्राचार्य ने जिस तरह से यूनिवर्सिटी को डेवलप किया है, बनाया है, लाखों विद्यार्थियों के जीवन में वो उड़ान की पंख भर रहे हैं, लगता नहीं है कि ये कोई मानव है। इनको देखने के बाद बातें ऐसे ही होती हैं। समाज को जोड़िए, तोड़िए नहीं। पोल टॉक की स्पेशल रिपोर्ट अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट, शेयर, लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।